सिंह टूडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट न्यू चैप्टर ऑफ योर ग्लोबल मैप अवर सेकेंड चैप्टर इज ग्लोबल मैप्लोब आर इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड अर्थ मतलब कि ग्लोब और मैप बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे अर्थ को समझने के लिए तो सबसे पहले डेफिनेशन जानते हैं ग्लोब का कि ग्लोब है क्या अ ग्लोब इज अ स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ मतलब कि अर्थ का एक छोटा सा रूप के तौर पे तैयार किया गया है उसको हम लोग क्या बोलते हैं ग्लोब अब ग्लोब क्या है ग्लोब कैसे काम करता है इट्स राउंड लाइक द अर्थ इट शो द डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन मतलब कि ग्लोब में भी अर्थ अर्थ की तरह ही कॉन्टिनेंट्स होते हैं ओशन्स होते हैं इसमें हर वो चीज दिखाई गई है जो हमारे पृथ्वी पे मौजूद है जैसे मैंने यहाँ पे ग्लोब का पिक्चर ड्रॉ किया है उसमें ग्रीन कलर को लैंड शो किया है और ब्लू कलर को वाटर शो किया है और जैसे हमारा अर्थ टिल्ट है ना हल्का सा टेढ़ा है या टिल्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं तो उसी तरीके से ग्लोब भी हल्का टिल्ट होता है और ये रिंग जो है उसके रोटेशन में मतलब इसको गोल घुमाने में काम आता है ताकि वो इजली वे में मूव हो सके बट ग्लोब इज नॉट इनफ शो ऑल द प्लेसेस इन डिटेल मतलब कि ग्लोब बहुत इतना भी नहीं बड़ा है कि उस पर हम लोग हर वो चीज बारीकी से देख सके है ना कॉन्टिनेंट्स ओशंस ओशंस में भी रिवर्स हर वो चीज बारीकी से हम लोग नहीं देख पाते हैं दूसरा टॉपिक है मैप मैप आर द ड्राइंग पार्ट ऑफ द अर्थ और अ होल ऑफ इट अब मैप क्या है कि इसी अर्थ को एक ड्रॉ करके दिखाया गया है कि कि कौन सा कॉन्टिनेंट किधर है कौन सा रिवर किधर है कौन सा ओशंस किधर है हर वो चीज बारीकी से दिखाया गया है जो ग्लोब में नहीं हो पाता है तो अ मैप कैन बी बिग और स्मॉल मतलब मैप बड़ा भी हो सकता है मैप छोटा भी हो सकता है वी कैन हैंग बिग मैप ऑन वॉल अगर हमारे पास मैप बहुत बड़ा है तो हम लोग उसको दीवार पे भी लगा सकते हैं अ बुक ऑफ स्मॉल मैप इट्स कॉल्ड एटलेस मतलब छोटी छोटी मैप्स मतलब इंडिया का मैप साउथ अफ्रीका का मैप अमेरिका का मैप अगर इन सारे को बारीकी से देखना है कि इंडिया में कौन से प्लेसेस है कौन से रिवर्स है कौन सा फॉरेस्ट है तो उसके लिए छोटा छोटा मैप तैयार किया गया है और इन सारे मैप्स को इकट्ठा करके एक बुक बनाया गया है जिसको हम लोग एटलेस बोलते हैं क्या बोलते हैं एटलेस बोलते हैं अब आते हैं टाइप्स ऑफ मैप बेसिकली दो तरीके का मैप है फिजिकल मैप और पॉलिटिकल मैप फिजिकल मैप्स में माउंटेन्स रिवर्स फॉरेस्ट हर वो चीज शो होगा पॉलिटिकल मैप्स में कंट्री कॉन्टिनेंट स्टेट्स ये सारी चीजें शो होंगी हमारा थर्ड टॉपिक है डायरेक्शन मतलब दिशा बेसिकली देर आर फोर मेजर डायरेक्शन मतलब चार महत्वपूर्ण दिशा है कौन कौन सा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ये चारों डायरेक्शन एकदम मेजर है ये बहुत ही महत्वपूर्ण डायरेक्शन है जैसे हमारा घर नॉर्थ में हो सकता है हमारा घर साउथ में हो सकता है अगर हमारा घर नॉर्थ में है तो हमारा स्कूल अगर डायरेक्शन के तौर पे बताना हो तो क्या बोलेंगे कि मेरा घर नॉर्थ में है और मेरा स्कूल ईस्ट में है है ना तो मैं नॉर्थ से ईस्ट ट्रेवल करता हूं अपने स्कूल जाने के लिए अब लेकिन इन चारों दिशा के अलावा भी चार और दिशा है जिसको हम लोग नॉर्थ ईस्ट कहते हैं साउथ ईस्ट कहते हैं साउथ वेस्ट कहते हैं और नॉर्थ वेस्ट कहते हैं है ना इन ये टोटल अब कितने दिशा हो गए आठ दिशा हो गए अगर किसी को हमें डायरेक्शन लोकेट करना होगा अगर किसी को हमें समझाना होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि आप यहां से राइट ले लीजिए आप यहाँ से लेफ्ट ले लीजिए उसके बाद राइट ले लीजिएगा तो ये सब क्या है एक डायरेक्शन हम शो कर रहे हैं किसी को बता रहे कि कौन से ज, जिस जगह पे उन्हें जाना है वो कौन से डायरेक्शन में हो सकता है और हम डायरेक्शन मतलब दिशा के ही बदौलत हम लोग हर पूरे वर्ल्ड को लोकेट कर सकते हैं बिना किसी समस्या के मतलब हमें पूरा वर्ल्ड अगर हमें दिशा पता हो हमें डायरेक्शन पता हो तो हम आप पूरा वर्ल्ड डायरेक्शन के हिसाब से समझ सकते हैं डायरेक्शन में ही एक डायरेक्शन में एक छोटा सा टॉपिक था आपका कंपस है ना कंपस है क्या ये क्यों यूज हुआ गया और ये डायरेक्शन के हिसाब से क्यों बनाया गया तो पहले आप इसका डिफिनेशन जाने

किस साइड है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट नहीं समझ में आता इसीलिए जो सेलर्स होते हैं जो शिप चला रहे होते हैं वो ये इनका यूज करते हैं क्यों ये बहुत ही आसान हो जाता है उनके लिए क्यों क्योंकि जो कंपास है उसके अंदर एक निडल है और वो निडल हमेशा नॉर्थ की तरफ शो करेगा तो उसके थ्रू क्या होता है ना कि उन लोगों को बहुत आसान हो जाता है डायरेक्शन लोकेट करने में मतलब दिशा को समझने में कि अगर कंपास का निडल नॉर्थ है तो उसके नीचे क्या हो जाएगा मतलब उसके पीछे साउथ हो जाएगा फिर उसके राइट हैंड में ईस्ट हो जाएगा लेफ्ट हैंड में वेस्ट हो जाएगा तो उनको ये बहुत ही आसान तरीका टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन ग्लोब एंड मैप अब ग्लोब और मैप में अंतर क्या है कि ग्लोब क्या क्या है क्या है मैप इसको अंतर से समझिए अ ग्लोब इज अ स्मॉल स्फेरिकल मॉडल ऑफ द अर्थ ग्लोब क्या है एक छोटा सा रूप है किसका अर्थ का मैप इज अ फ्लैट ड्रॉइंग ऑफ द अर्थ और मैप क्या है अर्थ को पेपर पे ड्रॉ किया गया है जिसकी जिसके द्वारा हम लोग उसकी बारीकियों से हर वो चीज चाहे वो फॉरेस्ट हो ओशन हो रिवर हो लेक्स हो हर वो चीज मैप से समझ सकते हैं लेकिन ग्लोब से नहीं वी कैन इजिली अंडरस्टैंड वॉट रोटेशन इज एज इट कैन इज इजली स्पर्न ऑन इट्स एक्सिस मतलब अगर हमें रोटेशन समझना हो तो हम लोग ग्लोब से समझ सकते हैं क्यों क्योंकि उस ग्लोब को भी हम लोग रोटेट कर सकते हैं अर्थ की तरह रोटेशन ऑफ द अर्थ इज नॉट पॉसिबल ऑन द मैप क्योंकि मैप क्या है एक ड्रॉ किया गया अर्थ को एक फ्लैट पार्ट में एक चार्ट पेपर पे पेपर पे, पे, पे ड्रॉ किया गया इसीलिए वहां पे रोटेशन पॉसिबल नहीं है मतलब मैप को हम लोग घुमा नहीं सकते हैं इट इज डिफिकल्ट टू कैरी ग्लोब को कैरी करना डिफिकल्ट है लेकिन लेकिन मैप को कैरी करना बहुत आसान होता है क्यों क्योंकि वो एक पेपर पे चार्ट पेपर पे बना होता है और ग्लोब को कैरी करना डिफिकल्ट होता है क्योंकि वो एक मॉडल है और आप मॉडल को हर जगह ट्रेवल नहीं कर सकते लेके। सो चिल्ड्रन योर होमवर्क विल बी टू ड्रॉ द पिक्चर ऑफ अ ग्लोब थैंक यू